छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के युवा नेता की खून से सनी लाश मिली है। जानकारी के मुताबिक एनएसयूआई के पूर्व जिला महासचिव की संदिग्ध हालत में शव मिला है। मृतक का नाम बबलू राजा है। मृतक की लाश शहर के आर्च ब्रिज पर मिली है। लाश से कुछ ही कदम पर मृतक की होंडा एक्टिवा भी पाई गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है, जो शव को पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। मृतक बबलू राजा के शव को कुछ दूरी पर उसकी होंडा एक्टिवा और एक युवक के लहूलुहान स्थिति में वहीं पड़ा हुआ था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल में मिली होंडा एक्टिवा में किसी तरह के टूट फूट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस इस मामले को हत्या और दुर्घटना दोनों स्थिति से जोड़कर जांच कर रही है। बबलू राजा एनएसयूआई के जिला महासचिव पद पर रह चुका है और कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ने के बाद जोगी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। चुनाव के बाद जोगी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में शामिल हुआ था। रात 7 से 8 बजे तक रायपुर सर्किट हाउस में मौजूद था। उसके बाद अपनी होंडा एक्टिवा से निकला था। रायपुर के संजय नगर का रहने वाला था। फिलहाल शव को मोकाहारा अस्पताल का पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक सर पर गंभीर चोट है। हालांकि गाड़ी की क्षतिग्रस्त ना होने की वजह से हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि पुल के किनारे खंभे में उसका सर टकराया, जिसके बाद वो वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही जांच की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। जानकारों के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव में वो टिकट की भी दावेदारी कर रहा था। कई लोग इस घटनाक्रम की राजनीति, प्रतिद्वंदिता और आपसी रंजिश से भी जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।